देखिए, जब चुनाव होते हैं एमएलए, तो लोग जो शहर के होते हैं उसे उम्मीद रखते हैं कि ये एमएलए साहब हमारे बहुत काम के आदमी होंगे। और जो गली मोहल्लों के चुनाव होते हैं, 10-12 गलियों में जो काउंसलर चुना जाता है, उससे भी लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, यार ये काउंसलर बनेगा, हमारा बहुत काम करेगा, है हमारे दुख सुख में काम आएगा, हमारी गलियाँ साफ होंगी, हमारे सिवरेज जाम नहीं होंगे। लेकिन यारो, काउंसलर बनने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक वार्ड नंबर तो मेरे को मालूम नहीं कौन सा है, लेकिन जहां हम आपको एक इलाका दिखा रहे हैं जहां हम पर 10 दिन हो गए जो सफाई कर्मचारी है नहीं आ रहा, और जो पहले सफाई कर्मचारी था रिटायरमेंट के बाद, अभी तक जो काउंसलर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि ये गली में इतना कूड़ा पड़ा है इसकी सफाई की जाए। चलो हम पहले कूड़ा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, कूड़े का ढेर लगा है, आज से नहीं कई दिनों से ये कूड़ा, जहाँ पर कोई फेंक के चला गया और इसे हटाया नहीं गया। कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, स्वच्छ भारत है, स्वच्छ पंजाब है, स्वच्छ लुधियाना है, स्वच्छ ये बिंद्रावन रोड के पास प्रेम नगर की गली है, वो भी दिखाओ, थोड़ा मोहल्ला भी पता चले। और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं काउंसलर साहब के भी दर्शन करा देते हैं। उधर देखिए, सामने बोर्ड लगाया है दिवाली और नए साल पर, ये देते हैं कर्मचारियों को इनाम देते हैं इसलिए कि वो सफाई नहीं करते। ये देखिए सामने जो बोर्ड लगाया है, काउंसलर इंदु राजू था पर वार्ड नंबर 83, पता लग गया वार्ड नंबर का भी, और हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ है जहाँ पर 9287300083। और देखिए 83 वार्ड का नंबर है, 083 एंड में जो है और वो हेल्पलाइन नंबर के मोबाइल नंबर है। देखिए ये साहब पिछले 11 साल से पार्षद रहते हुए 1 रुपया महीना वेतन लेते थे ये नगर निगम से, और 12वें साल में 26 अक्टूबर पिछले साल यानी कि 2019 को सफाई सेवकों को, सेवर कर्मियों को, मालिक को, वाटर सप्लाई और सड़क रिपेयर वाले मुलाजमों को अपने वेतन में से बैंक के चेक बांटे, इन्होंने बिल्कुल नहीं लेते ये तनख्वाह वगैरह नगर निगम से। अरे जरूरत ही क्या है तनख्वाह लेने की, हम कोई यहाँ पर काउंसलर लोगों की सेवा करने के लिए थोड़ी बने हैं, हम तो काउंसलर बने हैं अपने ऊपर बैज लगाने के लिए कि हम मोहल्ले के काउंसलर हैं। और दिखाइए, हम जो कुत्तों की टट्टी भी दिखाते हैं आपको, जहाँ पर ये पड़ी है, जहाँ पर और जितनी बीड़ी वगैरह है, ये बीड़ी भी जहाँ पर कितने लोग पीते हैं, तम्बाकू के पाउच वगैरह यहाँ पर पड़े हैं। और आगे देखिए, जहाँ आगे ये देखिए सारा गंदगी जहाँ पर पड़ी है, और ये देखिए जहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, कोई झाड़ू नहीं लग रहा यहाँ पे। ये देखिए ये छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, ये देखिए पोटी यहाँ पर कितनी पड़ी है, ये देखिए सड़क के ऊपर, ये सारा दिखाओ गंदगी यहाँ पर जगह जगह पड़ी होती है। और देखिए यहाँ पर ये जाता भाई कुत्ते की पोटी करा के चले जाते हैं ये लोग। और देखिए ये जो है, जितना हमने एरिया दिखाया जहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, वो सामने भी लगाइए, ये भी उसी का एरिया है, वो सामने भी लगाइए। काउंसलर साहब देखिए, कोरोना से घर से बाहर नहीं आते, जो भी काम करते हैं वो घर पर ही रह के करते हैं, और आजकल वो बिल्कुल घर से 6 महीने हो गए नहीं निकल रहे, इसलिए कि कोरोना है गलियों में मोहल्लों में। तो काउंसलर साहब एक बार थोड़ा सा आप निकालिए, आप कवच लगा लिए जो होते हैं, किट वगैरह डाल के पूरी आइए, पूरी तैयारी करके आइए आप, और सैनिटाइज करते करते सड़क पर आइए कि कहीं किसी को कोरोना ना हो, आप भी कोरोना से बचे रहें। तो देखिए गंदगी कितनी है गलियों में, कोई सफाई वाला नहीं आ रहा। ये कालिया मेडिकल स्टोर के पास ही दुकान है, और शिव दुर्गा मंदिर कासपुरी सिविल लाइन के पास ही ये सामने गली है, जहाँ पर बिल्कुल भी सफाई का इंतजाम नहीं है, गंदगी ही गंदगी है। और जो सफाई कर्मचारी था रिटायरमेंट के बाद, नया जहाँ पर कोई नहीं आया, और आज 7-8-10 दिन हो चुके हैं, हवा आती है तो जो कागज़ वगैरह उड़ जाते हैं, तो लेकिन कुत्तों की जो टट्टी पोटी है वो यहीं पर रह जाती है। और अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो वार्ड नंबर 83 है, यहाँ पर ये गली है जो जहाँ पर सफाई कर्मचारी, अब जहाँ 8-10 दिन हो गए बिल्कुल नहीं आ रहा, जो पहला था रिटायर हो गया, लेकिन काउंसलर साहब क्वारंटाइन है, वो घर से नहीं आते बाहर, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोने के कारण तो सरकार ने भी कहा घरों में ही रहें, तो बिल्कुल पालन कर रहे हैं हमारे काउंसलर साहब, बिल्कुल घर पर रह रहे हैं, सरकार का बिल्कुल कहना मान रहे हैं, वो इतने अच्छे इंसान हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो लेकिन जो गली में लोग घूम रहे हैं या जो कुत्ते घूम रहे हैं गंदगी डाल रहे हैं, उनकी सफाई के लिए भी कोई ना कोई तो आदमी चाहिए, तो लेकिन अभी तक तो
यहाँ पर अभी 10 दिन हो चले हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया। एक पहले आया था वो चला गया, वापस हट गया, जब क्या बात हुई ये तो काउंसलर साहब जानते हैं। लेकिन अभी गंदगी जो गली में, इसका बुरा हाल है। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।